ऑल राइट गाइस, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड गाइस, उन लोगों को सीवी एडिटिंग बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग फुल देखोगे तो आप लोग बहुत ही इजीली सीवी एडिटिंग कर सकते हो। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसके मदद से आप लोग बहुत इजीली सीवी एडिटिंग कर सकते हो, और भी वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज वाला सीवी एडिटिंग, ठीक है। सो वीडियो को तो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो चलिए अच्छे कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक है एडिट कैमरा एंड और भी एक ऑप्शन है। आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो मैं मेरा एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज एडिटिंग सिखाऊंगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे बहुत सारे टूल्स है, एंड इस टूल्स के मदद से आप लोग बहुत ही जल्दी फोटो को एडिटिंग कर पाओगे। ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों को फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एंड इस एप्लीकेशन को आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइप करके कटआउट वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, ठीक है। नीचे आप लोग देख सकते हो कटआउट वाले ऑप्शन, इसके अंदर टैप करके आप लोगों को जूम कर लेना है, एंड मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से पेंट करना है, एंड आपका जो एक्जिस है ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये जो कटआउट वाले ऑप्शन है आप लोग बिल्कुल फोटोशॉप जैसा कटआउट कर सकते हो सिर्फ वन क्लिक में, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है बैकग्राउंड को इरेज, ठीक है। सो मैं बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ फटाफट से। आप लोग देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को इरेज कर रहा हूँ गाइस, एंड बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा आपका इस एप्लीकेशन के मदद से। एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में इरेज कर लिया। आप लोग यहाँ से देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप लोगों को टैप करके आप लोगों को कटआउट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेना है, एंड आपका जो बैकग्राउंड है गायब हो जाएगा। एंड न्यू बैकग्राउंड लगाने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, इनपुट फोटो फॉर गैलरी, एंड यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। रिसेंट पर जाकर मैं एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बैकग्राउंड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एंड कुछ इस तरीके से मैं लगा दूंगा, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो इतने इजी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एडिटिंग नहीं होता है, एंड इसी एप्लीकेशन के अंदर इतने इजी तरीके से एंड इतने कम टाइम में एडिटिंग हो चुका है फ़ोटो। एंड राइट क्लिक कीजिए, एंड आपका जो फोटो है यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज एडिटिंग हो चुका है। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोग रिटचिंग भी कर सकते हो, जैसे कि लाइटरूम ऐप के अंदर करते हो। नीचे आप लोग देख सकते हो एक जिस, इसके अंदर प्रेस करके आप लोगों को बहुत सारे टूल्स मिल जाएगा, एंड यहाँ पर लास्ट में एक टूल्स है जो कि HSL। यहाँ से आप लोग कलर रिडक्शन बहुत ही ईजिली कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑरेंज कलर, सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर दीजिए एंड लुमिनेशन को हाई, फेस गोरा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो सिर्फ फेस के अंदर ही इफेक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर लेना है। हाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर लेना है, ठीक है। एंड शाइनी कलर को सिलेक्ट करके भी सेचुरेशन को हाई कर लेना है। और उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर जो बिगनेट वाला एक ऑप्शन होता है उसको ढूंढ के आप लोगों को थोड़ा सा अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, करने के बाद फिर से एक जेस, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कहाँ पर है शेडो, जैसे कि शेडो देख सकते हो आप लोग, शेडो भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ है गाइस, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ से फोटो को सेव कर लीजिए। आप मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे हेयर को बना सकते हो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के मदद से। सो चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर गाइस, फोटो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन हो चुका है, एंड यहाँ से आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके लाइब्रेरी को ओपन कर लेना है। और उसके बाद गाइस, आप लोगों को नीचे ब्रश मिल जाएगा, इस ब्रश को सिलेक्ट करके सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग आप लोग देख सकते हो, जो कि मैं नीचे दो सेटिंग को 21% रख के यहाँ पर साइज को अपने मुताबिक से रखा हूँ। साइज को थोड़ा सा छोटा करके जूम कर लूँगा, एंड गाइस यहाँ से कुछ इस तरीके से हेयर को मैं बना लूँगा। आप लोग हेयर को बहुत ईजीली बना सकते हो अपने हेयर के मुताबिक से। आपका जो हेयर जिधर भी जा रहा है उधर आप लोग पेंट कीजिए, एंड आपका जो हेयर है बहुत ईजीली बन जाएगा। आपका हेयर इतने अच्छे तरीके से बन जाएगा इस ऐप के मदद से, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये फेक हेयर है, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है आप फोटो, एंड यहाँ से आप लोग फेस वगैरह स्मूथ कर सकते हो बहुत ही इजीली, जो कि इस वाले टूल्स के मदद से होने वाला है फेस को स्मूथ, ठीक है। यहाँ पर टैप करना है, सेटिंग को ओपन कीजिए, सेटिंग 1%, और यहाँ से जूम करके आप लोगों को फेस के अंदर पेंट करना है, और आपका जो फेस है बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।